हैं। सर्वप्रथम जीव के असाधारण भावों की चर्चा कर रहे हैं। कल उन भावों के नाम, कौन कौन से भाव, पांच भाव, और प्रत्येक के कितने भेद होते हैं, भेदों की संख्या, ये दो सूत्रों की चर्चा हुई थी। एक बार दोनों सूत्र दोहराते हैं, फिर किस भाव के कितने भेद और कौन से हैं, उनके एक एक भावों के भेदों के संबंधी सूत्र आगे पढ़ेंगे। बोले दोनों सूत्र, पहले दूसरे। औक्षमिच्छाइकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। थोड़ा ऐसा भी विचार करना, इन भावों के भेदों की भी चर्चा आ रही है। पूरे भाव समझने के बाद में ये विचार करना, अब कुछ और भाव भी शेष रह गए क्या, जीव के कुछ भाव बाकी रह गए हैं क्या, इस पे विचार करना बाद में सभी भाव समझते हुए। अब इनमें सबसे पहला भाव कौन सा है, औपशमिक। किससे होता है यह, उपशम से, कर्म का उपशम होना पड़ेगा। तो जो आठ ही कर्म है, उन आठ कर्मों में एक ही कर्म ऐसा है जिसमें उपशम हो सकता है, बाकी कर्मों में उपशम नहीं होता। वो कौन सा कर्म है, मोहिनी कर्म है। अब मोहिनी कर्म कितने प्रकार का, दो प्रकार का, कौन सा, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी किसको बाधित करता है, सम्यक दर्शन को, और चारित्र मोहिनी सम्यक चारित्र को। कर्म का उपशम होने का अर्थ क्या है, उपशम होना माने क्या, कर्म का पूरी तरह से दब जाना। उदाहरण क्या दिया था, पानी में फिटकरी या कतक फल डालने से पूरी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी पूरा साफ होता है। इसका अर्थ उस बर्तन में मिट्टी की सत्ता तो है लेकिन पानी में नहीं है। ऐसे ही उस जीव के साथ मोहिनी कर्म की सत्ता तो है, दर्शन मोहिनी की, चारित्र मोहिनी की सत्ता तो है लेकिन वर्तमान में उदय नहीं है। इसका नाम ही उपशम, वर्तमान में दर्शन मोहिनी का उदय नहीं। तो मोहिनी का ही उपशम हो सकता है, दो ही दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी दो भेद है, तो जब दर्शन मोहिनी का उपशम हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा, सम्यक दर्शन, और चारित्र मोहिनी का उपशम हो जाएगा तो चारित्र प्रकट होगा। बस इसीलिए अगले सूत्र में उन दो भेदों की, इसलिए औपशमिक भाव के बस ये दो ही भेद हैं, दो ही औपशमिक भाव होते हैं। चर्चा पहले कर ली, सूत्र बाद में पढ़ रहे हैं। बोलिए अब ये तीसरा सूत्र बोलिए एक बार और। तो चारित्र का आह्वान कर रहे हैं, हे चारित्रे अत्र आगच्छ। चारित्रे क्यों लिखा है, सम्यक तो चारित्रे क्यों लिखा, वो तो चारित्रम चारित्रे चारित्राणी द्विवचन के लिए लिखा। दो भेद, औपशमिक भाव के दो भेद है, सम्यक तो और चारित्र। पूरा नाम देंगे तो औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। अभी कर्णानुयोग की थोड़ी सूक्ष्म बात लेते हुए यदि चर्चा करें, अभी तो अपन ने ये कहा कि मोहिनी का उपशम होता है, बाकी कर्मों का उपशम क्यों नहीं हो सकता, बाकी कर्मों का उपशम क्यों नहीं हो सकता। कल्पना करो, ज्ञानावरणी कर्म का उपशम होता तो क्या हो जाता, केवल ज्ञान प्रकट होता, और केवल ज्ञान होते ही क्या हो जाता, सारा लोकालोक दिखने लग जाता। तो अच्छी बात है ना, सारा लोकालोक दिखता, लेकिन उसके साथ अनंत वीर्य प्रकट नहीं होता, और अनंत वीर्य नहीं हो तो उतनी सामर्थ्य उसको झेलने की, उसको सहन करने, साथ में वीतरागता ना हो तो कितना राग द्वेष, कितना खलबली खलबली मच जाएगी।
इसलिए ज्ञानावरण का अन्य कर्मों का उपशम होता ही नहीं है, सर्प एक मोहिनी कर्म सहज प्रकृति है। दूसरी बात, अभी कहा दर्शन मोहिनी के उपशम से औपशमिक सम्यक तो हो गया, सम्यक दर्शन, परंतु अकेले दर्शन मोहिनी के उपशम से नहीं हुआ, उसके साथ साथ में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का भी उपशम होना जरूरी है। वो तो चारित्र मोहिनी है ना, लेकिन वो अनंतानुबंधी वाले जो क्रोध मान माया लोभ है ना, उसको द्विस्वभावी कह दिया है, माने वो चारित्र का भी घात करता है और सम्यक दर्शन का भी घात करता है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में तो एक श्लोक में लिखा है ऐसा, सम्यक दर्शन चौरा कषायाश्च प्रथम चत्वारा, कषायाश्च प्रथम चत्वारा, जो यदि चार चार भेद करते चार चौकड़ियों के तो 16 होते हैं ना, तो उसमें प्रथम चार जो कषाय माने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये सम्यक दर्शन को चुराने वाले हैं, प्रकट नहीं होने देते, इसलिए उनका भी उपशम। अब बहुत विस्तार से तो आप गुणस्थान विवेचन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, जो पढ़ चुके वो पढ़ चुके हैं, चार अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ और दर्शन मोहिनी, पांच प्रकृतियों का उपशम। तो पांच का उपशम कि सात का उपशम, पांच का होता है कि सात का उपशम होता है, तो अनादि मिथ्या दृष्टि हो या कोई सादी मिथ्या दृष्टि के जो तीन भेद हुए थे, मिथ्यात् सम्यक, मिथ्यात् सम्यक प्रकृति, वह बहुत काल तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो वापस जो यदि एक में खो करके वापस मिथ्यात् रूप हो गए हों, तो उसके भी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी और अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, पांच का, और सम्यक दर्शन हुआ उसके बाद दर्शन मोहिनी पहले एक मिथ्यात्व रूप था तो उसके तीन टुकड़े हो गए, अब तीन होने से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, अब कहते हैं वो तीनों, तीन और चार, इस सात का उपशम हो तब औपशमिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। ये दोनों बातें सात का की पांच का इस दृष्टि से समझने की बात है। ऐसे ही चारित्र, औपशमिक चारित्र, औपशमिक चारित्र के लिए किसका उपशम होना जरूरी है, औपशमिक चारित्र, तो चारित्र के भेद 21 प्रकृतियों का दिया, 21 प्रकृतियों के, इन सात प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक तो, और चारित्र मोहिनी कर्म की 21 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र। अब यहाँ चारित्र मोहिनी की 21 प्रकृतियाँ कौन कौन सी आएंगी, अनंतानुबंधी की चूंकि वह सम्यक्त्व में ही हो गई उपशमित, कितनी रह गई, हाँ तीन कषाय चौकड़ी की 12 रह गई और 9 कषाय, तो 12 और 9 कषाय, इनको मिला करके 21 चारित्र मोहिनी के, हाँ वो उसको अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व के साथ चला गया, इसलिए इसके साथ में उनको गौण करते हुए बाकी के 21 प्रकृतियों का जो उपशम होता है तो औपशमिक चारित्र होता है। गुणस्थान की अपेक्षा से कहाँ होगा औपशमिक सम्यक तो कहाँ होगा, हाँ जी चौथे गुणस्थान में, चौथे में ही, हाँ पांचवे में भी और सातवें में, और वो तो सवाल ही नहीं है, चौथे पांचवे या सातवें, तो सातवें में, तो ये इसलिए समझ लेना वो पूरा, फिर बहुत विस्तार में चला जाएगी बातचीत। और औपशमिक चारित्र कहाँ होगा, औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान में, नियम से उसका वो गुणस्थान निश्चित है, 11वें गुणस्थान में ही वो होता है। इस तरह औपशमिक के दो ही भेद है, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, इसलिए सम्यक्त चारित्र ही संक्षिप्त सूत्र दिया। औपशमिक के बाद कौन से भाव का नंबर था, क्षायिक भाव, क्षायिक भाव के कितने भेद बताए थे, 9, द्विनवास्ता 9 भेद है, अब क्षायिक के 9 भेद कौन कौन से, इसके लिए हम चौथा सूत्र पढ़ते हैं, बोलिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग क्रियाणि च,
गिनती करते जाएं, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। अब इनके साथ भी क्षायिक शब्द लगाना है। क्यों? क्योंकि क्षायिक भाव के भेद है ना, तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, कितने हो गए? 7। तो 9 कहे थे ना, तो कहते च लगा दिया ना, कि च से कह रहे हैं पिछले सूत्र में जो सम्यक्त और चारित्र कहे हैं उनको भी लेना। लेकिन वो तो औपशमिक थे, उनको कैसे लेना? कि नहीं, नाम तो वो लेना, लेकिन उनको यहाँ क्षायिक लेना। वो औपशमिक थे जब तत्संबंधी कर्मों का उपशम हो रहा था, तब वो औपशमिक थे, लेकिन जब उन कर्मों का क्षय ही हो गया तब वे क्षायिक हो गए। तो क्षायिक सम्यक तो और क्षायिक चारित्र, ये दो मिलाते हैं तो 9 हो जाते हैं। तो तत्संबंधी कर्म के क्षय से ये भाव होंगे। तो क्षायिक ज्ञान किससे होगा? निमित्त की अपेक्षा से होगा, तो आत्मिक शुद्धि से, आत्मा के आश्रय से तत्संबंधी पूर्ण ज्ञान में पूर्णता प्रकट हो गई, और उसके कारण से उधर ज्ञानावरणी कर्म का भी क्षय हुआ। तो ज्ञानावरणी के क्षय से क्षायिक ज्ञान, दर्शनावरणी के क्षय से क्षायिक दर्शन, अब दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, इकाय से 5 अंतराय कर्म के क्षय से, और इनके साथ भी क्षायिक लगाने, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ इत्यादि, ठीक है। अब सम्यक्त और चारित्र ये किससे, किसके क्षय से? मोहनी के क्षय से सम्यक्त और चारित्र दोनों, दर्शन मोहनी के क्षय से सम्यक्त्व और चारित्र मोहनी के क्षय से चारित्र। इस तरह एक क्षायिक भाव इन्हीं को कितने हो गए, कितने संख्या में? 9 है ना, तो इन्हीं को 9 लब्धियां भी कहते हैं। 9 लब्धि विधान भी है एक, तो 9 लब्धियां, क्षायिक लब्धियां ये 9 कहलाती, इसलिए क्षय से प्रकट हुई, पूर्ण हुई, इसलिए लब्धि के रूप में भी इनको कहते हैं। ज्ञान और दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, इसी को हम अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन भी कहते हैं। और जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ ना, 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ, क्षायिक भाव प्रकट हुआ उस समय, और ये भी समझ लीजिए एक अकेला दर्शन मोहनी का क्षय ऐसा है, दर्शन मोहनी का, कि वह पहले हो जाता है। और क्षायिक भाव सम्यक दर्शन 4थे गुणस्थान से भी हो सकता है, लेकिन बाकी सबका, बाकी सबका कौन से गुणस्थान में है? 13वें, 12वें के अंत में समझ लीजिए, 12वें के अंत में क्षीण मोह नाम का मोह क्षीण हुआ 12वें में, और तत्काल ही 3 और मोह क्षयात्, ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयात्, मोह का खास करके वहाँ चारित्र मोहनी अंतिम था, उसका क्षय होते ही तत्काल ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी क्षय होता ही है। फिर देर नहीं है, अंतर नहीं है, तत्काल ही इनका भी क्षय होता है। तो ये 12वें के अंत और 13वां समझ लीजिए प्रारंभ, वहाँ जाकर के 4ों का क्षय होने से, तो दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य तो अंतराय के क्षय से हुए, और सम्यक्त और चारित्र मोहनी के क्षय से हुए। लेकिन हम क्रम लगा रहे थे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और चतुष्टय 4 है ना, तो कौन कौन से? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उसके बाद किसका नंबर आता है? अरे तीसरा नंबर किसका? अनंत सुख का, और फिर अनंत वीर। तो अनंत वीर तो हुआ अंतराय कर्म के क्षय से, अब सुख कैसे होगा? मोहनी के, मोहनी के क्षय से। तो अब वो आप जब मोहनी के क्षय में औपशमिक भाव भी लिया तो 2 हुए, और क्षायिक भाव भी हुए उसके अभाव में 2 हुए, सम्यक और चारित्र। लेकिन अनंत चतुष्टय की बात ली तब दोनों को मिलाते हुए सुख लिया, इसका अर्थ दुख का वास्तविक कारण एकमात्र मोह है। जब तक अनंत दुख मिथ्यात्व वाला है तब तक दर्शन मोहनी, और वो जाने के बाद भी आकुलता बनी रहती है ना, जितनी आकुलता है ना वो सारी आकुलता व्याकुलता दुख उतना ज्ञानी को भी जितना है, वह भी
वो राग के कारण से ही है, माने मोहनी के कारण से ही है। तो एकमात्र मोही दुख का कारण है, इसलिए उसके अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। तो अनंत चतुष्टय भी लगा लीजिए और नौ क्षायिक लब्धियाँ लगा लीजिएगा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन इनका तो ख्याल में है, संपूर्ण लोकालोक को जानना देखना। और सामान्य रूप से टोडरमल जी अनंत वीर्य का कार्य क्या कहते हैं? अनंत वीर्य वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान दर्शन सारे लोकालोक को युगपत जान रहे हैं, देख रहे हैं, और अनंत वीर से ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं, ये जो जानना देखना है सब शक्ति प्रकट हुई ना जानने देखने की, ये सारी सामर्थ्य और अपने में लीन हो करके हर समय अनंत सुख का उपभोग करना, ये भी सारी सामर्थ्य, ये सब कह रहे ये वीर्य के कारण ऐसे सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो वीर्य से सामर्थ्य की बात मुख्यता से ली है, लेकिन यहाँ पांच भेद कर दिए, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो क्षायिक दान क्या है, क्षायिक लाभ क्या है, अब तो पूरा बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन संक्षेप में आप उसको समझ सकते हो। क्षायिक दान कह रहे जब वो अरहंत अवस्था क्षायिक भाव प्रकट हुआ तो उनके माध्यम से किसी जीव का घात नहीं होता सहज ही, तो सारे जीवों को अभय दान मिल गया, अभय दान। और साथ में अपने उपदेश से अहिंसा का उपदेश देते हैं, तो जीवों की रक्षा का ही उपदेश देते हैं, ये समझ लो क्षायिक दान, ये दान अभय दान दे रहे हैं, उसको लेते हुए दान क्षायिक दान की बात की। और क्षायिक दान के बाद में ज्ञान दान लाभ, क्षायिक लाभ, क्षायिक लाभ क्या मिल रहा है, लाभ का क्या दिया, जो उन्हें कवलाहार भोजन तो लेते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर टिका हुआ है, तो सहज ही शरीर की स्थिति के लिए दिव्य अनंत पुद्गलों का प्रति समय संबंधित होना, उन्हें लाभ हो रहा है, लाभ मिल रहा है, उसको क्षायिक लाभ में जोड़ा। भोजन बिना किए कैसे टिके रहते हैं, तो दिव्य परमाणुओं का सहज ही मिलना, मिले प्राप्ति हो रही उनको, जिससे वो शरीर टिका रहता है उनका, उसको लिया क्षायिक लाभ। भोग और उपभोग, भोग माने एक बार भोगने में आने वाला, और उपभोग माने बार बार भोगने में आने वाला, तो क्या मिल रहा है उन्हें, ये सब व्यवहार की दृष्टि से ही लगाना, सीधे उनको तो कुछ भी लाभ इसका होने वाला नहीं, मोह नहीं है इसलिए उसके लाभ का कोई प्रश्न ही नहीं है। कह रहे वहाँ समो शरण में बाकी जो 40 अतिशय बाकी के हो, पूरे 40 गुणों में बहुत सारे अतिशय होते हैं ना, कह रहे उसमें पुष्प वृष्टि हो रही है, सुगंधित पवन चल रही है, सुगंधित जल की वर्षा हो रही है, ये पैर के नीचे कमलों की रचना हो रही है, तो ये जो सभी पुष्पादि है वो एक बार काम में आने वाले, इसलिए इसको लिखा वो क्षायिक लाभ क्या है, भोग है, क्षायिक भोग। और जो वही का वही पुनः पुनः उनको काम में आने वाला है, जिस सिंहासन में है विराजमान, ऊपर छत्र त्रय लगे, चंवर अशोक वृक्ष भामंडल, ये निरंतर वही के वही पुनः का दिव्य ध्वनि भी जोड़ा है इसमें, देव दुंदु भी, इसलिए उसको उपभोग में डाल दिया, तो वो क्षायिक उपभोग हुआ। और वीर्य बाकी तो अनंत वीर्य वाला जो अनंत वीर्य प्रकट हुआ है वो वीर्य के साथ जोड़ा, वो क्षायिक वीर्य, ये सारा सामर्थ्य, लेकिन दान, लाभ, भोग, उपभोग। और निश्चय से लगाओगे तो इन्हीं को निश्चय से करो, क्षायिक दान क्या है, तो अपने आप को निरंतर अनंत सुख दे रहे हैं, प्राप्त हो रहा है वही अपने आप को, स्वयं को, दूसरे को किसी देने का काम नहीं है। ऐसे ही लाभ, उसी का भोग, उसी का उपभोग। भोग उपभोग में हम ऐसा कह सकते हैं, एक किसी कवि उसके भजन की किसी की पंक्ति है, आप ही बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, मैंने ऐसी उनकी स्थिति, योगी एक ऐसा कोई मैंने भजन में लिखा, योगी एक अशन बनावे, मैंने ऐसा भोजन बनाता है कि कैसा, आप ही बनावे आप ही खावे, खावत ना ही अघावे, मैंने प्रति समय अनंत सुख स्वयं अपना आत्मा के लक्ष्य से प्रकट हो रहा है ना, स्वयं नहीं तो प्रकट किया, और स्वयं ही उसका उपभोग करते हैं, और ऐसा उपभोग करते करते अनंत काल तक रहेंगे, अघाते नहीं हैं हम, एक बार भोजन कर ले तो पेट भर गया, प्रति समय अनंत सुख का उपभोग करते जाते हैं।
अभी नई पर्याय सुख की प्रकट हुई और अनंत भगवान ने सिद्ध भगवान ने भोग लिया तो भोग, लेकिन वो सुख नाम का गुण है ना, उसमें से बराबर निरंतर सुख आता जा रहा है तो पुनः पुनः उसी सुख गुण की ही पर्याय का उपभोग कर रहे, इसलिए उपभोग कह सकते हो और ये सारा सामर्थ्य है इसलिए अनंत वीर्य कह सकते हो। और सम्यक दर्शन श्रद्धान ऐसा दृढ़ हुआ है, पूर्ण हुआ है कि अब पुनः नष्ट नहीं होगा, ऐसा क्षायिक सम्यक दर्शन, ऐसी क्षायिक चारित्र स्थिरता ऐसी हो गई, अब पुनः वहाँ से डलने वाले नहीं हैं। ऐसी ये नौ लब्धियाँ समझ लीजिए, नौ क्षायिक भाव, औपशमिक क्षायिक भावो, उसके बाद में मिश्रश्च, मिश्र मिश्र माने क्षयोपशम लिया था, हाँ वहाँ जरूर ध्यान रखना है, मिश्र का मतलब क्षय और उपशम इनको नहीं मिलाना है। क्षय और उपशम मिला हुआ क्षयोपशम कैसा होता, क्षायिक भाव जितने क्षायिक भाव है ये पूर्ण निर्मल है, क्योंकि इनका बाधक समझ लीजिए निमित्त की अपेक्षा से कर्म का उदय ही जिसको बाधित करने वाला था, अशुद्ध करने वाला था, मलिन करने वाला था, उसका क्षयी हो गया तो पूर्ण निर्मल प्रकट हुआ। और औपशमिक जो है वह भी पूर्ण निर्मल है। ग्यारहवें गुणस्थान का नाम क्या है, पूरा नाम वो जो पूरा नाम है ना, उस पूरे नाम में वीतराग शब्द जुड़ा हुआ है, वो जो पूरा नाम है उपशांतमो गुणस्थान का वो उसमें वीतराग शब्द जुड़ा हुआ है, छद्मस्थ शब्द भी जुड़ा है और वीतराग शब्द जुड़ा हुआ है। अच्छा वहाँ चारित्र जो प्रकट हुआ कौन सा चारित्र है, औपशमिक चारित्र और जो बाकी के भेद होते हैं ना, सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि और अंतिम सबसे यथाख्यात, तो कौन सा चारित्र है, यथाख्यात चारित्र है, अरे एक तरह से पूर्ण वीतराग दशा है औपशमिक चारित्र की दशा, पूर्ण वीतरागता की। इसका अर्थ औपशमिक में निर्मलता, औपशमिक और क्षायिक में निर्मलता पूर्ण होती है, क्षय के कारण से पूर्ण निर्मलता, उपशम होने पर पूर्ण निर्मलता, और जो पूर्ण निर्मल है ऐसे क्षय और उपशम इनको जोड़ दिया जाए, इनके जोड़ से हुआ क्षयोपशम वो कैसा होगा, डबल निर्मल होना चाहिए, क्षय भी निर्मल उपशम भी निर्मल दोनों को जोड़ा तो और बढ़िया निर्मल होना चाहिए। इसलिए कह रहे क्षयोपशम नाम है लेकिन न तो क्षायिक भाव जैसा क्षय है न औपशमिक भाव जैसा उपशम है, कैसा है फिर, अब वो क्षयोपशम की परिभाषा पढ़ोगे तो उसमें आता है, देशघाती कर्म के उदय सहित अवस्था है। और वास्तव में उस क्षोपशम भाव में जो स्थिति है वो देशघाती के उदय से ही बन रही है, लेकिन देशघाती है इसलिए उस भाव को जिसको भी बाधित कर रही जिसका उदय चल रहा है वो उसे पूरा बाधित नहीं कर सकती है, उसमें दोष लाती है, पूरा खंडित नहीं कर पाती है, तो इसलिए देशघाती के उदय। और बाकी का उपशम है तो सदवस्था रूप उपशम है, सत्ता में पड़ा हुआ है उस समय उदय में नहीं आ रहा है, उदयाभावी क्षय, क्षय भी है तो उदयाभावी, उदय में नहीं आने की अपेक्षा से क्षय कह रहे हैं, और सदवस्था रूप उपशम है, ऐसा मिला करके वो क्षयोपशम नाम दिया जाता है। ऐसा जो क्षयोपशमिक भाव, उसके कितने भेद थे क्रम से सूत्र में, द्वि नौ के बाद अष्टादश, द्विनौ अष्टादश एक विंशति अष्टादश, अष्टादश माने 18, अभी 18 भेद कौन से हैं पांचवें सूत्र में, ये सूत्र लंबा भी है और शब्द भी संधि की वजह से कठिन है, वैसे तो परिचित शब्द होंगे तो दिक्कत नहीं आती लेकिन संधि होने से बोलने में कठिन हो सकता है, इसलिए सूत्र बुलवाता हूँ उसके बाद उच्चारण करना, दो भाग करके बोलेंगे, भेदा तक एक फिर दोबारा दूसरा ना आगे का, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री त्रिपंच भेदा, बोलिए ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस चतुस्त्री त्रिपंच भेदा, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धयः कितने हो गए,
चार हो गए ना, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धया माने लब्धियां, लब्धि, और इनके अब क्रम से भेद लेना है। चतुः, त्रि, त्रि, पंच। अब कैसे क्रम लगाएंगे? ज्ञान चतुः, अज्ञान, अरे सॉरी, हाँ हाँ, त्रि बराबर, चतुः के बाद दूसरे अज्ञान में त्रि, दर्शन त्रि, और लब्धि लब्धया पंच, लब्धियां पांच, पंच। क्या होगा? ज्ञान त्रि, ज्ञान के तीन भेद ले रहे हैं, चतु चार भेद ले रहे हैं ज्ञान के। कौन से ज्ञान के चार भेद? ज्ञान के वैसे कितने भेद हैं? ज्ञान के अज्ञान अलग कर दिया ना, ज्ञान अलग कर, अज्ञान को अलग कर दिया, ज्ञान अज्ञान, तो ज्ञान अलग लिया तो ज्ञान के कितने? पांच। कौन कौन से? तो यहां चार ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां क्षोपशम भाव के, क्षोपशम की बात चल रही है, क्षायोपशमिक ज्ञान के भेदों को लेना है, और जो केवल ज्ञान है वह कैसा है? क्षायिक है, इसलिए वो पहले आ गया, पिछले भेद में क्षायिक भावों के भेद में चला गया, इसलिए बाकी के चार ज्ञान वे क्षायोपशमिक रूप से ज्ञान, और अज्ञान तीन कौन से? पीछे सूत्र पढ़ा था, मति श्रुतावधेयो विपर्यश्च, तीन विपरीत होते हैं तो अज्ञान रूप होते हैं, तो हम कहेंगे मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, और इसी को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इस रूप में भी कहते थे, तीन अज्ञान। दर्शन, दर्शनोपयोग, दर्शन के भेद कितने? चार होते हैं, कौन कौन से? चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इसमें फिर तीन ही क्यों लिए? क्योंकि केवल दर्शन क्षायिक भाव में चला गया, बाकी के क्षोपशम है, तो तीन दर्शन। लब्धयः पंच, पांच लब्धियां, कौन सी पांच लब्धि? तो वहाँ भी जो नौ लब्धि कहलाती है, तो उसमें से अंतराय के अभाव में प्रकट होने वाली वो पंच लब्धियां कहलाती, उनकी पंच लब्धि की बात है, या सम्यक वाले पंच लब्धियों की बात नहीं है? सम्यक दर्शन की पांच लब्धियां होती ना, कौन सी? क्षोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, उनकी बात नहीं है। ये अंतराय कर्म के क्षय से होने वाले वे पांच क्षय रूप क्षायिक थे, और यहाँ अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होने वाले उन्हीं नामों को यहाँ लेना है, लेकिन क्षयोपशमिक रूप में। क्या क्या नाम थे? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, लेकिन उनको क्षयोपशमिक रूप से लेना है। तो ये पंच, चतु त्रि, त्रि पंच, कितने हो गए हैं? चतु माने चार, तीन मिला दिए तो सात, और तीन दस, और पांच पंद्रह, और क्षोपशमिक भाव के भेद अठारह, तो कितने रह गए? तीन बाकी। तो कौन से वे? सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयम। सम्यक्त्व माने सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है कर्म की अपेक्षा से? तीन प्रकार का। कौन कौन सा? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तो पहले सूत्र, पहला मैंने यहाँ तीसरा था, सम्यक तो चारित्र्य कहा, वहाँ भी सम्यक दर्शन लिया, वो कौन सा था? औपशमिक था। फिर अगले सूत्र में वहाँ भी, वहाँ किस रूप में लिया? अच्छा, चल च कह करके जोड़ा था पीछे से, तो वहाँ लिया था क्षायिक, और पुनः यहाँ सम्यक तो कह रहे हैं, ये कौन सा है? क्षायोपशमिक। तो क्षायोपशमिक सम्यक तो चारित्र, क्षायोपशमिक चारित्र। जैसे चारित्र मोहनी के उपशम से औपशमिक चारित्र हुआ, क्षय से क्षायिक चारित्र हुआ, ऐसे ही चारित्र मोहनी के क्षयोपशम से क्षायोपशमिक चारित्र। कहाँ होता है, किनका होता है, किनके होता है? जो मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, उनका मात्र संज्वलन का उदय है, और संज्वलन देश घाती, इसलिए वह वहाँ उसका घात नहीं कर पाती। अनंतानुबंधी स्वरूपाचरण का घात करती हैं। अनंतानुबंधी के बाद में कौन सा, कौन सी कषाय चौकड़ी है? आजी अप्रत्याख्यानावरण, देशघाती का घात कर, देश चारित्र, देश व्रत का घात करती हैं, और उसके बाद प्रत्याख्यानावरण, वह सकल चारित्र का घात करती हैं, और संज्वलन यथाख्यात का घात तो करती है, लेकिन
वहां जो चारित्र है मुनिराज का उसे घात नहीं कर पाती, किंचित समझ लीजिए दोष, वो पूर्णता अभी चारित्र की नहीं आ पाई, इसीलिए समझ लो स्थिरता पूरी नहीं हो पाती है, वो दोष लगता है उनका। वो जो चारित्र वह क्षायोपशमिक चारित्र है, और संयमा संयम देश व्रत जो है पंचम गुणस्थान, वहाँ जो चारित्र है वह संयमा संयम है, विरता विरत भी बोलते हैं उसे। क्यों? जो चौथे में अविरति थी उसकी अपेक्षा से तो विरत हुआ है, संयम हुआ है, थोड़ा संयम आ गया ना जीवन में वैसा आया, लेकिन मुनिराज जैसा सकल संयम नहीं हुआ। तो ऊपर से देखो तो असंयम, माने छठे सातवें से देखो तो असंयम, और पांचवें से देखो तो संयम, तो इसलिए संयम असंयम विरता विरत देश संयम भी नाम देते हैं, वो जो वो भी क्षायोपशमिक रूप से है इसलिए उसको जोड़ा। तो सम्यक तो चारित्र और संयम असंयम इनको और जोड़ते हैं तो 15 और 3 मिलाकर के 18 भेद हो जाते हैं, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद। अब सूत्र पूरा बोलता हूँ तो आपको भी पूरा दोहराना है। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयस् चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। व्यक्तिगत भी आपको शुद्ध बोलना आना चाहिए, एक एक से सुनना संभव नहीं है। अब असली संसार का कारण, जीव के दुखों का कारण कौन सा भाव है? औदयिक भाव है। उस औदयिक भाव की चर्चा करते हैं, और कितने प्रकार का औदयिक भाव है? द्विनवाष्टा दशैक विंशति, एक विंशति, एक विंशति माने 21। अब यहाँ बीच में कहीं पूरा एक ही सूत्र बना दिया है, पूरा ही बोलते हैं, आप भी कोशिश करना, ठीक है, बुलवाता हूँ। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशास चतुस चतुस त्रय कई 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 क्षण भेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेशास चतुस चतुस त्रय कई 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 क्षण भेदा। वो बराबर देख के बोलना, नहीं तो कई 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 करते रह जाओगे ना जितनी बार है। मूल शब्द ख्याल में है तो दिक्कत नहीं है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, उसके बाद में अज्ञान, उसके बाद में असंयत, उसके बाद में असिद्ध, और फिर अलेशा मत करना हा? क्योंकि उधर सब अज्ञान असंयत असिद्ध हो रहा है तो इधर अलेशा देखो लेशा है लेशा। ये क्रम से कितने हो गए? गति कषाय 2, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 4, अज्ञान 5, असंयत 6, असिद्ध 7 और लेशा 8। ये जो 8 नाम बताए ना, इन 8ों की संख्या कितनी है? सबसे पहले गति, तो ये क्रम से लेना है। चतुहु, चतु माने 4 गति, तो मालूम है 4 गतियाँ कौन सी हैं? मालूम नहीं है क्या? है ना, कषाय वाले पाठ में बालकों का संवाद दिया ना, वो संवाद में तो एक बीच में बात याद आ गई इसलिए बोलता हूँ। प्रशिक्षण में आपको विषय से संबंधित नहीं, अलग बात है, बोलने से संबंधित पढ़ने पढ़ाने से संबंधित है। प्रशिक्षण में आपको अच्छी तरह ये बताया जाता है कि जो संवाद वाला पाठ होता है वो संवाद वाला पाठ सिर्फ एक रोचकता के लिए दिया है। बोलते समय पढ़ते जो आदर्श वाचन करते हो ना, उस समय भी वहाँ यदि छात्र अध्यापक के नाम लिखे हों, गुरु शिष्य लिखा हो या सुरेश रमेश लिखा हो, माता माँ और बेटी लिखा हो, तो पढ़ना नहीं है, सीधा जो आगे के संवाद है उसको ही उचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ना है। और समझाते समय विचार विश्लेषण के समय, अच्छा जो आदर्श वाचन के बाद क्या कराते हो? अनुकरण वाचन, जो छात्रों से भी कराओगे तो वे भी जिसका पात्र पढ़ना है वो पात्र पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नहीं रमेश आहा हीरा तो बहुत अच्छा होता है, कितना मेरा नाम अच्छा है, हीरा लाल बोल रहा है, ज्ञानचंद हीरा लाल, तो हीरा लाल, तो ऐसा नहीं पढ़ेगा हीरा लाल,
ऐसा बोल करके नहीं बोलेगा, ज्ञानचंद ज्ञानचंद बोल करके नहीं बोलेगा, संवाद पड़ेगा। और विश्लेषण के समय भी आपको ये उल्लेख नहीं करना है हीरालाल ने क्या पूछा था, फिर ज्ञानचंद ने क्या कहा, गुरुजी ने क्या कहा था, फिर शिष्य ने क्या समझाया। अभी अभी मैं किसी का प्रवचन सुन रहा था, आपके भी विद्यार्थियों में से ही शायद आत्मा परमात्मा वाला पाठ जो भी ले रहे थे, उसने यहाँ से शुरू किया, शिष्य ने पूछा ये जीव दुखी क्यों है, फिर गुरुजी ने उत्तर दिया। तो ये उस रोचकता के लिए लिखा हुआ है, तो उसका उल्लेख आपको नहीं करना है, सीधे विषय की ही बात करनी है। हाँ, मैं गति वाली बात कहाँ से उठाई मालूम है आपको, कषाय वाले पाठ में लिखा, कषाय किसे कहते हैं, अरे उत्तर ये नहीं दिया पहले, पहले क्या उत्तर दिया मालूम, उसमें संवाद में, संवाद में उत्तर ये दिया, कषाय कषाय नहीं जानते हो, रोज ही करते हो और उसका स्वरूप नहीं जानते हो, करते हो और जानते नहीं हो, फिर समझा दिया। ऐसे ही गतियाँ कितनी होती हैं, कौन सी, तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, अरे चार गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं और उनके नाम नहीं जानते क्या, तो चार गतियाँ मालूम है सभी को, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, देव गति और नरक गति। कषाय चतुः, चार कषाय, कौन कौन सी चार कषाय, क्रोधमान माया लोभी लिया कि अनंतानुबंधी रूप लिया, क्यों कहाँ गई कषाय, कहाँ गई लिंग, कषाय नामक चारित्र में क्रोधादि कलुषता कषाय कहलाती है। हाँ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधादि रूप, क्रोधमान माया लोभ, फिर उसके साथ अनंतानुबंधी आदि उसके साथ हरेक के साथ जुड़ेगी, इसलिए चतुः कषाय चतुः, लिंग त्रि, तीन लिंग कौन कौन से, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग और नपुसक लिंग। लिंग के संदर्भ में ये कहा है, ये लिंग जो कहा जा रहा है ये भाव लिंग लेना है, द्रव्य लिंग नहीं, द्रव्य लिंग माने तो हम शरीर का जो भी लिंग हो वो नहीं, उसके अंदर भी उस प्रकार का जो भाव है, पुरुष लिंग, वो पुरुष लिंग जो है वह पुरुष को स्त्री के साथ रमने का भाव रूप जो भाव है, उस रूप में लिंग को यहाँ लेना है, भावात्मक लिंग की बात ले रहे हैं। और वेद, वेद ही कहा उसे, नाम कर्म के उदय से होने वाली द्रव्य लिंग की यहाँ विवक्षा नहीं है, भाव लिंग की विवक्षा है, उसके उदय की बात है यहाँ पर लिंग। फिर मिथ्या दर्शन तो मालूम ही है क्योंकि उसका अनुभव बराबर कर रहे हैं, देहादि में एकत्व बुद्धि वाला वो मिथ्या दर्शन, और वो मिथ्या दर्शन के भी भेद किए क्या, हाँ नहीं किए हैं, मिथ्या दर्शन तो एक, इस चतु के बाद में चतु चतु त्रि, तीन तो लिंग हो गए थे, फिर संधि विच्छेद इसमें निकालोगे ना तो एक 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 कितनी बार लिया, चार लिए ना, तो एक मिथ्या दर्शन एक, अज्ञान एक, असंयत एक और असिद्ध एक, तो मिथ्या दर्शन तो ठीक है, फिर अज्ञान क्या है, तो अज्ञान तो तीन भेद बताए थे, अभी यहाँ एक ही ले रहे हैं, वो जो अज्ञान था वह क्षायोपशमिक अज्ञान था, और यहाँ कौन से भेद की बात चल रही, औदयिक, तो ये औदयिक अज्ञान है, तो औदयिक अज्ञान कौन सा और किनके होता है, क्षायोपशमिक अज्ञान किनके होता है, क्षायोपशमिक अज्ञान किनको होता है, सारे मिथ्या दृष्टियों को, जितने मिथ्या दृष्टि होंगे उनका क्षायोपशमिक अज्ञान है, जो मिथ्यात्व है तो उनका मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान भी होगा तो भी क्या होगा, अज्ञान होगा, मिथ्या रूप होगा, तो मिथ्या समस्त मिथ्या दृष्टियों का क्षायोपशमिक अज्ञान। और औदयिक अज्ञान किनके होता है, जिनके भी ज्ञानावरण का उदय जब तक है, जब तक ज्ञानावरण है और उसका उदय चल रहा है तब तक औदयिक अज्ञान होता है। तो ज्ञानावरण का उदय कहाँ तक, जब तक ज्ञानावरण का क्षय नहीं हुआ, ज्ञानावरण का क्षय कहाँ जाकर के होता है, हाँ जी 12वीं के अंत में जाता है। तो जितने अब गुणस्थानों के नामों में पूरा नाम हम तो संक्षेप में ही बोलते हैं, उपशांत मोह, क्षीण मोह, लेकिन जहाँ तक वे केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, वहाँ तक सबके नाम के साथ एक शब्द और जोड़ते हैं, छद्मस्त, छद्मस्त वीतराग,
ऐसा जोड़ते, छद्मस्त भी शब्द लगाते हैं, तो वे जो छद्मस्त है वहाँ तक औदयिक अज्ञान है उनके भी, माने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती सबके औदयिक अज्ञान है, तो अज्ञान है उनके। जितना वो नहीं जानते हैं वो क्या है, क्यों नहीं जानते कि तत्संबंधी उदय है, तो कितना जानते हैं, जितना क्षोभसम होता है उतना जानते हैं, तो इसलिए बाकी का जो नहीं जानना हो रहा है, पूर्ण ज्ञान का अभाव हो रहा है, वो सब तत्संबंधी उदय का है, वो औदयिक। औदयिक अज्ञान घातक नहीं है, क्षावोपशमिक अज्ञान बाधक है, क्षावोपशमिक अज्ञान मिथ्या दर्शन के कारण आ रहा है, औदयिक अज्ञान ज्ञानावरणी के उदय के कारण से है, इसलिए वो बारहवीं तक रहता है। उस अज्ञान की बात करो, उसके कोई भेद नहीं है, सीधा सीधा जितना उदय चल रहा है तब तक औदयिक अज्ञान कहलाएगा, इसलिए वो अज्ञान को एक लिया। असंयत, जब गुणस्थानों की आप बात करते हो तब जहाँ तक अविरत नाम देते हैं ना, वो चारित्र मोहिनी की मुख्यता से अविरत है, तो पहला गुणस्थान भी वो अविरत है, असंयत वाला है, तो वो एक रूप लेना है। जब तक चारित्र मोहिनी के किसी भी कर्म का उदय रहेगा, उदय उदय के रूप में, तब तक वह असंयत कहलाएगा, तो एक सामान्य रूप से वह असंयम एक भेद दिया उसका। असिद्ध, असिद्ध किसके कर्म के उदय से होगा असिद्ध, और कौन है असिद्ध? असिद्ध औदयिक भाव कहाँ तक है, कहाँ तक कहेंगे अपन? हाँ जी, चौदहवें गुणस्थान, माने गुणस्थान है तब तक उदय चल रहा है, तब तक सिद्ध नहीं हुए हैं किसी न किसी कर्म का उदय, तो सामान्य कर्म के उदय की अपेक्षा सिद्धत्व प्रकट नहीं हुआ, इसलिए असिद्धपने को भी औदयिक भाव के रूप मिला असिद्ध। और अब अंतिम में लेते लेशा, लेशा कितनी है? षड भेदा, छह प्रकार की लेशाएं, कृष्ण नील कापोत और पीत पद्म और शुक्ल, तीन तीन का ग्रुप क्यों बन जाता है? क्योंकि कृष्ण नील कापोत अशुभ है, उसकी अशुभ की तीव्रता मंदता, और उधर पीत पद्म और शुक्ल तो वे जो है शुभ की है, तो शुभ की भी वहां तरतमता है। उस दृष्टि से लेशा को औदयिक भाव में क्यों लिया होगा? क्योंकि कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, तो कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति, तो ये योग की प्रवृत्ति भी और कषाय का उदय भी है, इसलिए कषाय के उदय सहित होने के कारण से लेशा को भी औदयिक भाव में लिया, और साथ में ये भी संदेश दिया कि कदाचित शुक्ल लेशा का परिणाम हो रहा हो, इतना मंद कषाय, जैसे द्रविलिंगी मुनिराज जो निरतिचार पालन करने वाले हैं, उनकी बहुत कितनी कषाय मंद है, ये चमड़ी छील करके नमक भी छिड़क दे तो भी बिल्कुल क्रोध नहीं करते, ऐसे शुक्ल लेशा वाले परिणाम, परंतु वह औदयिक भाव है, शुक्ल लेशा का परिणाम होने पर भी औदयिक भाव है, इसलिए उससे कुछ भी लाभ नहीं होता। और जो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज है, उनके तीन कषाय का अभाव है, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, इस कारण वीतरागता है, और द्रविलिंगी मुनिराज की रंच मात्र वीतरागता नहीं है, इतना शांत रहने के बाद भी वीतरागता रंच मात्र नहीं है, तो उदय है, इसलिए लेशा का भाव जो है वह औदयिक भाव के अंतर्गत आएगा। चले अब क्रम से भेद, तो एक 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 बराबर उसको समझते हुए पुनः एक बार सूत्र बुलवाता हूँ। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुष चतुस्त्रय कई 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 क्षण भेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेशास चतुष चतुस्त्रय कई 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 क्षण भेदा। ये औदयिक भाव के 21 बातों 21 भावों के भेदों की चर्चा हुई। अब अंतिम पारिणामिक भाव, बाकी भावों में और इस भाव में क्या अंतर है? पारिणामिक भाव में बाकी भाव कर्म सापेक्ष है, किसी में कर्म के उदय की अपेक्षा है, किसी में उपशम की, किसी में क्षय की, क्षयोपशम की, लेकिन ये जो अंतिम भाव है इसमें कर्म की कोई अवस्था कारण नहीं है। तो क्या कारण है कि उसका परिणाम, माने उसका स्वभाव सहज स्वाभाविक है,
तो कौन, इसके भी भेद हैं। वैसे पारिणामिक भाव के भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी तीन भेद बता दिए हैं। बोलिए, ये सूत्र तो सरल है, बोलिए। जीव भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भाव। जीवत्व, तो जीव है, जीवपना, जितने जीव है उनमें सब में जीवपना, और जीव, जीव का जीवपना होने के लिए स्वाभाविक ज्ञान दर्शन इन सबको भी सहज अंदर, ज्ञान स्वभाव दर्शन स्वभाव हर एक का अपना पड़ा हुआ है ना, इसको भी पारिणामिक कहते हैं, ज्ञान दर्शन आदि को भी। तो ज्ञान दर्शन सब पारिणामिक है, तो उन सबको भी लेना चाहिए था ना, चले जीवत्व में सभी आ गया, जीवत्व कहने में सब आ गया। समय सार में 47 शक्तियों आत्मख्याति, समय सार की टीका में 47 शक्तियां दी। सबसे पहली शक्ति कौन सी है? जीवत्व शक्ति। किसी को जीवत्व शक्ति का लक्षण याद है, वाक्य याद है? चैतन्य शब्द है कि नहीं देखना है, चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। हाँ, आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। जीवत्व वो चैतन्यपना आ गया उसमें, जीवत्व शक्ति में चैतन्यपना, तो उसमें ज्ञान दर्शन ये मूल जो स्वभाव है वो अपने आप उसमें आ गए। तो आत्मद्रव्य हेतु भूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, चैतन्य मात्र भाव को धारण किए हुए हैं वो जीवत्व शक्ति, इसी के कारण से ये जीव है, छह द्रव्यों में अन्य से भिन्न ऐसा जीवत्व इसका निश्चित है। ज्ञान दर्शन ये भी पारिणामिक है ऐसा उल्लेख नियम सार की टीका लिखते हुए पद्मप्रभ मल्लारी देव ने किया। पद्मप्रभ मल्लारी देव ज्ञान के भेद प्रभेद करते हैं, तो ज्ञान के भेद कहाँ से शुरू करते हैं मालूम है? वैसे ज्ञान दो प्रकार का, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। अब बताओ स्वभाव ज्ञान कौन कौन से और विभाव ज्ञान कौन कौन से? स्वभाव ज्ञान कितने प्रकार का और विभाव ज्ञान कितने प्रकार का? अभी जो चर्चा पड़ी उसमें से ऐसा लगेगा कि जो पांचों सम्यक रूप है ये स्वभाव ज्ञान, और जितने कुमति कुश्रुत इत्यादि हो गए ये क्या है? विभाव ज्ञान। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, बोले स्वभाव ज्ञान के दो भेद, स्वभाव ज्ञान भी दो प्रकार का, कारण स्वभाव ज्ञान और कार्य स्वभाव ज्ञान। अब कारण स्वभाव ज्ञान कौन सा? हमारा मूल स्वभाव, जैसे सर्वभावांतर छेदे का अर्थ करते समय किया था ना, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शी शक्ति है ना हमें, तो ज्ञान में भी संपूर्ण जानने रूप शक्ति उसके स्वभाव में पड़ी है और उसमें से फिर प्रकट होती है। तो मूल में है वो कारण स्वभाव और सर्वज्ञ भगवान का प्रकट हुआ वो कार्य स्वभाव ज्ञान, इसलिए वो कारण स्वभाव ज्ञान और कार्य स्वभाव ज्ञान ऐसे ऐसे भेद की। और उसमें जो कारण स्वभाव ज्ञान है वो पारिणामिक भाव रूप है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला पारिणामिक भाव वो ज्ञान, ज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वभाव में से वो कारण स्वभाव ज्ञान वाला, और कार्य स्वभाव वाला केवल ज्ञान पूर्णतया प्रकट हुआ वो कार्य स्वभाव रूप ज्ञान है। विभाव ज्ञान फिर दो प्रकार का किया, विभाव ज्ञान दो प्रकार का, सम्यक विभाव और मिथ्या विभाव। तो सम्यक विभाव कौन? चूंकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान और मन परेय ज्ञान, केवल ज्ञान तो कार्य स्वभाव ज्ञान में चला गया, पूर्ण यथावत जैसा स्वभाव है पूर्ण प्रकट हुआ इसलिए कार्य स्वभाव ज्ञान में चला गया। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अवधि ज्ञान मन परेय ज्ञान, फिर इनको विभाव क्यों कह रहे हो? पूर्ण ज्ञान स्वभाव जैसा है वैसा प्रकट नहीं हुआ। अच्छा, इसके लिए विपरीत है तो मिथ्या होगा कि मिथ्या नहीं? सम्यक दर्शन होने से सम्यक, परंतु पूर्णता नहीं है इसलिए सम्यक विभाव ज्ञानोपयोग, और मिथ्या विभाव ज्ञानोपयोग तो वे कुमति कुश्रुत कु अवधि जो मिथ्या हो रहे उनको मिथ्या ही कहा। तो ज्ञान और दर्शन ऐसे दर्शन के भी इसी तरह से भेद किए उन्होंने, दर्शनोपयोग के भी, तो वहाँ भी दर्शन को भी पारिणामिक कह दिया।
क्योंकि ये ज्ञान दर्शन मूल स्वभाव सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित किसी कर्म के कारण से नहीं है, मूल स्वभाव है। भव्या भव्यत्वाणि च, भव्य और अभव्यत्व। तो भव्यत्व अभव्यत्व वे जीवों के लक्षण थोड़ी है, तो इनको भी पारिणामिक भाव में क्यों लिया? तो इनका पारिणामिक भाव के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, बहुत लोग पूछते हैं इस संदर्भ में, वह बेचारा अभव्य वह अभव्य किस कर्म के कारण से ऐसा बना, उसने क्या गलती की जिसके कारण से अभव्य हो गया, कैसा हो क्यों हुआ किस कारण से, क्या कर्म किए ऐसे उसने जो अभव्य हो गया, क्या कारण है? नरक में जाने का कारण तो हो सकता है, निगोद में जाने का कारण तो हो सकता है, लेकिन अभव्य होने का कोई कारण नहीं। तो क्या कारण है? वो सहज स्वभाव ही कारण है उसका, कोई नहीं है उसका परिणाम, वो उस जीव का वैसा ही परिणाम है। अर्थात वह न सम्यक दर्शन प्रकट करेगा न मुक्ति प्राप्त कर सकेगा। तो इसके जो अयोग्यता है उसके स्वभाव में पड़ी है, किसी कर्म के कारण से नहीं है, इसलिए अभव्यत्व को। और जिन जीवों में ऐसी योग्यता पड़ी है उनका भी, अच्छा हाँ, जो भव्य वो भव्य क्यों है, क्या ऐसे पुण्य कार्य किए जिसके कारण भव्य हुए, ऐसा कुछ नहीं है। अनादि से तो निगोद में पड़ा था, क्या भव्य शुभ कार्य करेगा, लेकिन उसके स्वभाव से ही भव्यत्व और अभव्यत्व है, जिसमें सम्यक दर्शन और मुक्ति प्रकट करने की योग्यता है वो भव्य है। तो ये स्वाभाविक होने से पारिणामिक भाव में लिया। एक और विशेष चर्चा इसमें ली है कि जो दूरांदूर भव्य है, अर्थात जो कभी सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे ही नहीं और कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, उनको भव्य कहना कि अभव्य कहना? दूरांदूर भव्य कुछ ऐसे जीव है, दूरांदूर भव्य कहलाते हैं वे भी, जैसे अभव्य को कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा और मोक्ष नहीं होगा, ऐसे ही वो दूरांदूर भव्य जो है वे भी कभी सम्यक दर्शन प्रकट करेंगे नहीं और न कभी मोक्ष जाएंगे। अब उन्हें भव्य कहना कि अभव्य कहना? भव्य कहना। क्यों भव्य कहना? क्योंकि उनमें भव्यत्व है, वो सहज है स्वाभाविक है, परंतु उसका उपयोग करेंगे नहीं कभी, कभी माने उसकी प्रकटता कभी होगी नहीं उनके, इस कारण से दूरांदूर भव्य कहते हैं। अभव्यवत ही भव्य, लेकिन फिर भी भव्यत्व शक्ति है तो उनको भव्य ही कहना पड़ेगा। इस तरह पारिणामिक भाव के पांच भेद, और ये पांच नहीं, पांचवे पारिणामिक भाव के तीन भेद, और इस तरह औपशमिक आदि जो जीव के पांच भेद भाव होते हैं उनके प्रभेद किन कितने होते हैं, उन सब के संक्षेप में इसमें चर्चा दी गई है। इसमें कितना विषय आ गया कल्पना कर सकते हो, करणान योग का, चरणान योग का, द्रव्यान योग का। प्रथमान योग तो व्यक्तिगत होता है, किसी महापुरुष की कहाँ मैंने कथा उस पर घटित होती है, इसलिए वो तो बात नहीं है। कैसे आ गया होगा द्रव्यान योग, कैसे आया होगा? क्योंकि जीव के भावों की बात चल रही है ज्ञान दर्शन आदि की, इसलिए जीव के भाव हैं। और करणान योग कैसे आया होगा? कर्म सापेक्ष, कर्म के निमित्त से भाव हो रहे हैं, किसके उदय से, उपशम से, क्षय से। कर्म संबंधी चर्चा सब करणान योग की है। और चरणान योग कैसे आया होगा? तो चारित्र के भेद प्रभेद की भी बात की, क्षायोपशमिक चारित्र, क्षायिक चारित्र, तो आचरण संबंधी संयमा संयम इत्यादि की भी बात आई, इसलिए चरणान योग की भी चर्चा। अब इसका विस्तार करो तो कितना विस्तार हो सकता है, और वो संक्षेप में इतने में इसको समेटने का प्रयास किया है, यही तत्वार सूत्र की विशेष विशेषता है। अब इसके बाद में जीव का लक्षण, जीव के भेद प्रभेद, उनकी चर्चा आगे क्रम से होगी। अब थोड़ा जल्दी चलेंगे, सरल भी विषय होगा और सूत्र भी, बड़ा सूत्र तो शायद ही होगा कोई एकाध, नहीं तो छोटे छोटे सूत्र होंगे, थोड़ा तेजी से चलेंगे। बोलिए अंतिम मंगल।